पत्रकार वार्ता में समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश मीणा जी, बहन पूजा भार्गव जी, प्रदेश कमेटी के साथी रवि जी, हमारे जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदर साहब, हमारे मीडिया के प्रवक्ता चेयरमैन जसविंदर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के साथी हरिओम जी। आज इस वार्ता का उद्देश्य है हमारे 16 तारीख को दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय में एक पूरे देशव्यापी अभियान का आगाज किया जा रहा है। जिस प्रकार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार में, भाजपा की सरकार में नशे का कारोबार बढ़ा है और नौजवान नशे की गिरफ्त के अंदर जा रहा है। राज्य के अंदर राजस्थान की मैं बात करूं तो संगरिया से लेकर जालौर तक, उदयपुर से लेकर जैसलमेर तक, धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक जो परिस्थिति देखोगे जिलों के अंदर, जिस प्रकार से नशे का कारोबार, सफेद पाउडर, एमडी समेत जैसी परिस्थितियां नौजवानों के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और जो घोषणा रोजगार की इन्होंने कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी की घोषणा करेंगे, अभी 10 महीने 11 महीने सरकार को होने जा रहे हैं लेकिन एक भी नौकरी एक युवा को नहीं मिली है राज्य सरकार के द्वारा। और देश की सरकार ने जो नौकरी को लेकर वादे किए, एक नौकरी अभी 150 दिन के अंदर कोई नौजवान साथी को नहीं मिली है केंद्र की सरकार के द्वारा। इसको लेकर पूरा देशव्यापी अभियान, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी, हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय चीफ जी के द्वारा पूरे देशव्यापी अभियान ये चलाया जा रहा है। और ये अभियान विधानसभा तहसील स्तर पर, राजस्थान के अंदर भी तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई और पूरे राज्य भर से, हर तहसील से, हर जिले से हमारे युवा कांग्रेस के साथी, आमजन युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हजारों की संख्या के अंदर दिल्ली पहुंचेंगे और इस भाजपा की सरकार को, भाजपा की तानाशाही साम्यवादी सरकार को घेरने का काम करेंगे। आपने एक चीज को लेकर भी लिखा है जिसमें जो ऐसे भर्ती नहीं करने की मांग देखो, एसआई भर्ती नौजवानों ने परीक्षाएं दी है लेकिन इसके अंदर धांधली हुई, पेपर लीक हुए, जो इनके अंदर लिप्त थे, चाहे वो कितने कितने बड़े मंत्री पद भी उनके पास रहे हो, कितने बड़े पद रहे हो, उन मगरमच्छों को सरकार को पकड़ना चाहिए। बजाय किसी विद्यार्थियों ने, गंगानगर से 30 विद्यार्थियों का चयन हुआ, हनुमानगढ़ से 22 विद्यार्थियों का चयन हुआ, उदयपुर से विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिन्होंने अपने माता पिता के खून पसीने से तैयारी करके एग्जाम दिया, आज उनका सिलेक्शन हुआ नौकरी लगने के लिए। किसी के पास लास्ट चांस होता है, आज उस व्यक्ति की आप नौकरी छीनने का काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप नौजवान से रोजगार छीनने का काम कर रहे हो। हम चाहते हैं कि जो इसके अंदर लिप्त थे, चाहे वो कितने बड़े पदों पर बैठे हो, आपने आरपीएससी भंग करो, आप आरपीएससी में उस समय चेयरमैन थे, उसको आप जेल में डालो। आपने दो सदस्यों को पकड़ा, हम स्वागत करते हैं, सरकार ने पकड़ा, लेकिन जिस बड़े मगरमच्छ को पकड़ो आप, अगर विद्यार्थियों से अगर वो दुश्मनी निकालना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए हमने सरकार को एक मांग पत्र हमने लिखा। देखो, एसओजी ने किया, लेकिन एसओजी को भी इस मामले में संज्ञान लेना होगा कि जो विद्यार्थी, उसमें से सारे विद्यार्थियों ने पेपर चोरी नहीं किए, सारे विद्यार्थियों ने पेपर लीक नहीं किए, बहुत से नौजवान साथी अपने मेहनत से पढ़ लिख कर उस पेपर को दिया और वो चयन हुआ। किसी के पास लास्ट चांस होता है, लेकिन इस तरीके से आप हर विद्यार्थी को उस परीक्षा से नहीं हटा सकते। इसलिए आपका क्या मानना है कि कई जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, क्या उनको सुरक्षित तरीके से पढ़ाया गया? देखो, अभ्यर्थियों को फंसाया गया नहीं फंसाया गया, जो चयनित हुए हैं अगर वो लिप्त है तो उनको फंसाया जाए, हम नहीं कहते ही नहीं फंसाया जाए। इस पेपर लीक में जो लिप्त है उसको फंसाया जाए, लेकिन किस प्रकार से पेपर लीक में कौन था, आप दो व्यक्तियों को पकड़कर आप उनको सरगना नहीं बना सकते। इसमें सरगना कौन था, कौन उसको पकड़ो, इसमें कौन कितने बड़ों पद पर भी रहा हुआ होगा,
आप उसको जेल में डालो, हम सब लोग स्वागत करते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को आप पकड़ कर जेल में डालोगे या निर्दोष को इसकी सजा मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं संविधान में उचित नहीं है, लोकतंत्र में उचित नहीं। विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, पहले उनकी राज में पेपर लीक होता है और अब भर्ती को रद्द करने की जो तैयारी कर रहे हैं। देखो कांग्रेस के अंदर हम सब लोगों ने ये मांग उठाई थी, एनएसयू का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते हमने भी उस समय लेटर लिखे और हमने ही ये मांग उठाई थी सब लोग। हमारे नेता सचिन पायलट जी ने पैदल यात्रा निकाली 130 किलोमीटर की, देश के नौजवानों और राजस्थान के नौजवानों के लिए निकाली थी। तमाम पेपर लीक प्रकरण का जो मुद्दा उठा वो हमारे ही द्वारा उठाया हुआ था, चाहे हमारी सरकार थी, लेकिन हमने जो नौजवानों के हम साथ खड़े थे, सरकार किसी की भी हो, हम ये कहते हैं कि नौजवानों का पेपर का जो प्रकरण है उसमें बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे आरपीएससी के साथियों आज जेल के अंदर है, जो कांग्रेस राज के अंदर कैसे नियुक्तियां हुई, किन्होंने उनको बनाया, इस पर आप दो किस समय कौन वहां कुर्सियों पर बैठा था, उन पर कार्रवाई करने का काम करो, हम स्वागत करते हैं। लेकिन किसी निर्दोष को आप नौकरी छीनना चाहते हो इसका स्वागत हम लोग नहीं करेंगे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था जब जयपुर में भारी बारिश हुई थी, गरीबों के मकान, उसका क्या रिपोर्ट रहा? देखो निश्चित तौर पर अभी हमने उसके अंदर कम से कम 1.5 करोड़ की राशि पूरे राजस्थान से इकट्ठी हुई, 10-12 मकान का जो रेनोवेशन का काम हम यूथ कांग्रेस के द्वारा चलवाया गया 10-12 तहसील में, उस राशि पर जो उस प्रक्रिया के बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जो प्रक्रिया चली कहीं ना कहीं उसमें वो कार्य धीमा हुआ, लेकिन अब वो हमारा कार्य अभी भी चल रहा है। जो मांग थी वायनाड में जो 50 मकानों को लेकर पूरे देश की युवा कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली थी, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की भी भागीदारी है और राजस्थान उसमें उचित भागीदारी अपनी निभा रहा है। देखो राजस्थान के अंदर हमारे एक संग्रिया तहसील में सुदानपुरा गांव में इसके रेनोवेशन का काम शुरुआत करने की, उदयपुर के अंदर वार्ड नंबर 6 के अंदर, तो कुछ ना कुछ 10-12 जगहों में जिलों में हमने इस काम की शुरुआत करने का, रेनोवेशन करने का काम किया। और आने वाले दिनों में जो 50 मकान हम राजस्थान से और जो 50 मकानों की जो भागीदारी देश के अंदर हमने जिम्मेदारी ली उसमें कहीं ना कहीं योगदान देने का काम राजस्थान युवा कांग्रेस कर रहा है। देखो हरियाणा का चुनाव में राजस्थान के अंदर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हरियाणा का चुनाव हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थितियों पर था, हरियाणा राज्य की सामाजिक स्थितियों पर था, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर भारी मत कांग्रेस पार्टी को मिला और जिस प्रकार से 10 महीने और 11 महीने में ये सरकार नाकाम रही है, इस सरकार में नाकाम इसलिए कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था इस सरकार में बिल्कुल जीरो रही है, नशे का कारोबार आज मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं सबसे ज्यादा अगर सफेद पाउडर चिट्टा समेक एमडी का काम होता है तो उस सीमांत क्षेत्र हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में काम हो रहा है, पुलिस बिल्कुल नदारद है, ब्यूरोक्रेसी अपने नेताओं को खुश करने में लगी हुई है, भाजपा के नेताओं को खुश करने में लगी हुई है, आम जन की कोई बात को नहीं सुन रहा, आम जन की बात को थाने तहसीलों के अंदर उनके कागज को कोई अधिकारी नहीं पढ़ रहा, आम जन बेहाल इस सरकार में हो चुका है, ऐसी परिस्थितियां सरकार की उत्पन्न हो चुकी है पूरे राज्य भर में। हरियाणा चुनाव में कहीं ना कहीं जब मतदान से लेकर के मतगणना के पहले तक कांग्रेस ट्रेंड कर रही थी कि जीत रही थी, क्या कारण मानते हैं कि जो तस्वीर बदली कि आप लोग बिल्कुल पिछड़ गए कांग्रेस पार्टी? देखो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अति उत्साह की वजह से नेताओं में कहीं ना कहीं हम कम मार्जिन से चुनाव हारे, कहीं हम 200 वोट से हारे, कहीं 32 वोट से हारे, कहीं 600 वोट से हारे, हमारी 9 सीटें 2000 के कम अंतराल में हम वहां चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा कि अति उत्साह कार्यकर्ताओं और नेताओं में था, जो कि जमीन पर उतर कर कहीं ना कहीं हमें काम करने की आवश्यकता थी, बूथ को संभालने की आवश्यकता थी, गांव को संभालने की आवश्यकता थी, तो ये भी एक मैं बड़ा कारण मानता हूं। और कुछ ना कुछ चुनाव प्रक्रिया जो आयोग की रही, मशीनों में 99%, जिस प्रकार से कुछ हमारे प्रत्याशी साथियों ने शिकायत की, उसका भी एक बड़ा कारण हरियाणा चुनाव हो सकता है, लेकिन अति उत्साह भी कहीं ना कहीं हमें और जो जादू है वो हम पर नहीं चला।
देखो राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो, पार्टी में जब तक कार्यकर्ताओं को आप मजबूती नहीं दोगे, कार्यकर्ताओं की नहीं पूछ करोगे, हम राजस्थान के अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार बनाते, जो राजस्थान के अंदर प्रक्रिया रही, जिस राजस्थान में आपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ोगे, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। देखो आलाकमान को जो प्रत्याशियों ने बताया है, आलाकमान तय करता है, लेकिन जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, अति उत्साह नेताओं का कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हम कमजोरी मानते हैं कि हार का कारण कहीं ना कहीं हम तो कम मार्जिन से हम चुनाव हारे, इसी बात को। थैंक यू। Thank you.